आर पार। आज का टॉपिक सुनकर आप सोच में पड़ गए होंगे, आप विचार में पड़ गए होंगे। ना नया साल है, ना कुछ और हुआ है, ये कैलेंडर का मामला कैसे आ गया? ये कैलेंडर का बवंडर इसलिए है कि एक तरफ राहुल गांधी ने आज 6 महीने का कैलेंडर बनाया कि मोदी सरकार ने 6 महीने में करा क्या है। हाँ, उसमें उस कैलेंडर में उनका दर्द भी था, क्योंकि उनकी एक सरकार चली गई, दूसरी अधर में लटक रही है। मध्य प्रदेश की सरकार चली गई, राजस्थान के अधर में लटक रही है। लेकिन दूसरी तरफ से प्रकाश जावड़ेकर, सुधांशु त्रिवेदी ने मोर्चा संभाला और पलटवार करते हुए ट्वीट करके कहा कि आप पीढ़ियों का हिसाब दें, और प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आप पिछले 6 महीने का हिसाब दें। आज राहुल गांधी ने कैलेंडर खोलकर मोदी सरकार पर खुला वार किया, वो हमेशा करते हैं। फरवरी से लेकर जुलाई तक यानी 6 महीने के बीच राहुल गांधी ने चुन चुन कर सरकार के खिलाफ 6 मुद्दे निकाले। नमस्ते ट्रंप और कोरोना से लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने से लेकर राजस्थान में सियासी ड्रामे तक राहुल गांधी का हर दर्द सामने आया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की, लेकिन राहुल के अंदाज में ही बीजेपी ने भी उन्हें आईना दिखा दिया। शाहीन बाग और दिल्ली दंगे से लेकर चीन के साथ खड़े होने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कहा, दूसरों पर सवाल उठाने से पहले राहुल गांधी खुद अपने गिरेबान में जरूर झांक के देख ले। बीजेपी ने खुला आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने कोरोना के दौर में प्रवासी मजदूरों को उकसाया और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के पतन की कगार पर पहुंच चुकी है और राहुल गांधी ने ही पहुंचाया। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, कैलेंडर पर बवंडर। और आज आमने सामने होंगे कांग्रेस के दो धुरंधर, बीजेपी यानी एनडीए के दो धुरंधर। लगातार कई दिनों तक वीडियो वार के जरिए मोदी सरकार को घेरने के बाद आज राहुल गांधी कैलेंडर खोलकर सरकार पर प्रहार करते नजर आए। जरा देखिए राहुल गांधी का ये वार। फरवरी नमस्ते ट्रंप, मार्च एमपी में सरकार गिराई, अप्रैल मोमबत्ती जलवाई, मई सरकार की 6ठी सालगिरह, जून बिहार में वर्चुअल रैली, जुलाई राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश। इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। जवाब में सरकार की तरफ से भी कैलेंडर वाला पलटवार हुआ। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी को कहा कि जरा आप अपनी 6 महीने की उपलब्धियां भी गिन लीजिए। फरवरी शाहीन बाग और दंगे, मार्च ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश को गंवाया, अप्रैल प्रवासी मजदूरों को उकसाया, मई कांग्रेस की ऐतिहासिक हार की 6ठी सालगिरह, जून चीन का बचाव करना, जुलाई राजस्थान में कांग्रेस पतन की कगार पर। राहुल गांधी रोज ट्वीट कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अब केवल ट्वीट की पार्टी बनकर रह जाएगी, क्योंकि जनता में काम नहीं, एक के बाद एक राज्य गवा रहे। जावड़ेकर साहब, आप इतना प्रदूषण पॉलिटिक्स में क्यों लाते हो? आप तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हो, आप तो, आपको तो प्रदूषण खत्म करना चाहिए, लेकिन हर आपके बयान में कुछ ना कुछ ऐसी कठोर बात होती है। अब राहुल गांधी सिर्फ ट्वीट ही कर सकते हैं, बाकी तो कुछ बचा नहीं उनके पास में, न जनाधार बचा न नेता। उनके नेतृत्व में 10 साल में आज तक विपक्ष का नेता नहीं बन पाया कांग्रेस का लोकसभा। उनका उद्देश्य देश बचाना है भी नहीं, कभी रहा भी नहीं। पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत है, बंगला बचाना प्राथमिकता है। उधर बीजेपी लगातार राहुल गांधी के सियासी समझ पर भी सवाल उठा रही है। जब पप्पू पास होने के चक्कर में नकल में भी अकल न लगाएं तो इसी तरह की बेवकूफियां सुनाई पड़ती हैं। आज उनकी इनकी इन बेवकूफियों की वजह से इनकी पार्टी जो है वेंटिलेटर पे चली गई है और इनका अहंकार एक्सीलेटर पर है। कभी ये वैज्ञानिक बन जाएंगे, कभी अर्थशास्त्री बन जाएंगे, ज्ञान देने लगेंगे, और इनकी खोपड़ी में अज्ञानता भरी हुई है। उनका बयान आधारहीन, तर्कहीन, तथ्यहीन और बुद्धिहीन। ये राहुल जी की राजनीति के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्या है ये आप जानते हैं जी? उनके बयानों को कितना आप समझ सकते हैं उसकी गहराई में जाने का? राजस्थान में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की जंग में भी बड़ा अपडेट है। पायलट गुट को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है, क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 24 जुलाई तक स्पीकर कोई फैसला ना ले। इसी बीच सचिन पायलट पर अशोक गहलोत के निकम्मा वाले वार पर संबित पात्रा ने इशारों में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, नकारा, निकम्मा,
गहलोत जी का कहीं पे नजारा कहीं पे इशारा। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, कैलेंडर पर बवंडर। और आज आर पार का फॉर्मेट हम थोड़ा बदलेंगे, यानी विश्लेषण आपको बीच बहस में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको गेस्ट इंट्रोड्यूस करा देते हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में रागनी नायक जुड़ रही हैं। रागनी नायक मेरे साथ मौजूद है। रागनी नायक आपका अभिनंदन है, बड़े दिनों बाद रागनी नायक की वापसी हो रही है टीवी डिबेट्स में, आपका अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी है राजस्थान के और राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आपका भी अभिनंदन है। आचार्य प्रमोद कृष्णम है मेरे साथ इस चर्चा में, उनका भी अभिनंदन है। स्टार प्रचारक रहे कांग्रेस पार्टी के, अजय आलोक है, डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ हैं इस चर्चा में, जो कि नेता है जेडीयू के, आपका भी अभिनंदन है। लेकिन पहले आप विश्लेषण पर नजर डाल लेते हैं कि आज का विश्लेषण थोड़ा अनोखा है, थोड़ा अलग है। आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि यह कैलेंडर का बवंडर है क्या, इसका विश्लेषण सुनिए। वार है फरवरी में, ट्रंप के स्वागत में सरकार व्यस्त थी। पलटवार है, सोनिया राहुल ने लोगों को सड़क पर उतरने की अपील की थी। ये जावड़ेकर साहब का पलटवार है। आगे बढ़ता हूं मैं आगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरकार गिराई, कांग्रेस के युवा हाईकमान के रवैये से परेशान है, ये पलटवार है। सरकार इन्हीं की गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया इन कांग्रेस के खेमे से बीजेपी के खेमे में चले गए, इसमें बीजेपी क्या करेगी। बढ़ता हूं मैं आगे। बार है कोरोना काल में मोमबत्ती जलाई गई, ये सरकार की कमी कैसे है। मोमबत्ती आपने भी घरों में बैठ के जलाई होगी, ये कमी है देश की कि हम सब एक साथ आते हैं। आगे बढ़ता हूं, वार क्या है। मई में सरकार, क्योंकि मैंने कई विपक्ष के नेताओं को देखा था, शरद पवार तक मोमबत्ती जला रहे थे। हाँ, राहुल गांधी को नहीं देखा किसी ने, किसी ने देखा हो तो तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर सकते हैं, मैं लाइव उसको प्ले करूंगा। मई में सरकार ने जीत की सालगिरह मनाई, क्योंकि मोदी सरकार जीती थी, इस पर तंज कसा राहुल गांधी ने। मोदी की जीत का मतलब कांग्रेस की हार है, यानी ये कांग्रेस की हाल की भी सालगिरह है, हार की भी सालगिरह है। तो लगातार 6 सालों से विपक्ष में और 50 के आंकड़े के पार या फिर उसके नीचे कांग्रेस घूम रही है, ये कांग्रेस के लिए बड़ी दिक्कत की बात है। सरकार को घेरते घेरते सेल्फ गोल कर दिया। मैं बढ़ता हूं आगे। बिहार में वर्चुअल रैली की, कोरोना काल में वर्चुअल रैली नुकसानदायक कैसे है। चीन की पार्टी के साथ एमओयू पर कुछ नहीं बोलते राहुल गांधी, ये पलटवार भी आया। मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश, ये राहुल गांधी का वार है, पलटवार है। हर बार बीजेपी पर आरोप लगाकर कैसे बचा जा सकता है, बीजेपी तोड़फोड़ कर पाती है, ये कांग्रेस नेतृत्व की बड़ी कमजोरी है। मेरे साथ बात करने के लिए रागनी नायक।